लेकिन आज के एक्टिव स्टॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह जुड़ रहे हैं। अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत सीएनबीसी आवाज पर। 8,540 के आसपास का स्तर निफ्टी पर इस वक्त क्या कॉल लेनी चाहिए? निफ्टी डेफिनेटली जिस तरह से हम लोगों ने कुछ दिनों से देखा है कि 8500 लेवल जो एक मेजर क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा, और ओवरऑल एक रैली जो चल रही है, कहीं से भी अभी ग्लोबल कोई वैसा नेगेटिव सेंटिमेंट से या नेगेटिव न्यूज नहीं आया है। जो भी इश्यूज थे वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली रिजॉल्व होते चले जा रहे हैं। ब्रेक्सिट का एक लॉन्ग टर्म इशू तो रहेगा, लेकिन जैसे जो ब्रिटेन पॉलिटिकल क्योस था वो उसमें रेजोल्यूशन आ गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो आज मीटिंग है उसमें वो रेट कट की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां भी फिस्कल स्टिमुलस ऑलमोस्ट $100 बिलियन की बात कर रहे हैं। यूएस का भी जो इकोनॉमिक डेटा आया वो पॉजिटिव ही था, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स को ओवरऑल पॉजिटिव रीजंस मिल रहे हैं। और डोमेस्टिक में भी देखेंगे तो जीएसटी बिल जो है इस मॉनसून सत्र में पास होने की उम्मीद है, मॉनसून भी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली बुलिश है। यदि डिप निफ्टी अभी निफ्टी जो है 8540 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत भी करेक्शन आती है टुवर्ड्स 8490-8500 लेवल्स तो बाइंग की जा सकती है, 8460 का स्टॉप लॉस उसमें रखा जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करेंगे तो सबसे पहले पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब करीब यहां पर 2.5% की तेजी है, 163-164 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या करें इस स्टॉक में? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें पर्टिकुलरली तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 164 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो पहले भी इसने एक लेवल ये 164-165 का मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं ये मानता हूँ कि ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें एक अच्छी खासी तेजी 175-180 के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। तो ये 164-165 का एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। ओके, ONGC क्योंकि कल यहाँ पर एक अच्छी तेजी थी और आज दबाव देख रहा है, करीब 1.5% से ज्यादा का दबाव है, इस पर क्या सलाह होगी आपकी? ONGC की बात करें तो ONGC में कल जो हम लोगों ने एक रैली देखी थी और अभी ONGC 230 के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कल की जो रैली की जो हाई थी 242 लेवल्स के आसपास, 41 लेवल्स के जो हाई थी, वो एक अब मेजर रेजिस्टेंस लेवल जरूर रहेगा ONGC के लिए। और ऑन द डाउन साइड 220 से 225 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा, तो मैं शॉर्ट टर्म में ONGC को 220 और 240 के रेंज में देख रहा हूँ। ट्रेंड अप है तो यदि बाइंग करनी भी है तो 2-4-5 रुपए टूवर्ड्स 225 के लेवल्स के आसपास बाइंग की जा सकती है, लेकिन जब तक ये 240 और 242 के लेवल को नहीं ब्रीच करता है ऑन द हायर साइड, तो इसमें फिलहाल कोई मेजर तेजी एक्सपेक्ट ना करें। ओके, SRF की बात करते हैं, ये स्टॉक 4.5% तक का मूव दे चुका है, एंटी डंपिंग ड्यूटी रेफ्रिजरेंट्स पे लगाई गई है जो कि चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, और इसके जो नोटिफिकेशन है वो फेडरल रजिस्टर में शुक्रवार तक आ जाएगा, तो यानी कि शुक्रवार के बाद से ये ड्यूटी लग जाएगी। ये जो R134A है, SRF सोल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, तो एक बड़ा पुश SRF को मिल सकता है इस कदम के बाद। इस वक्त 1393 का लेवल है, अमर इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, क्या बाय करके चले? SRF में जो एक मेजर रैली हम लोगों ने देखी 1200 के लेवल से, इसमें जो तेजी देखने को आई है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है, तो 1400 लेवल्स के आसपास इन करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 1372 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 1460 के टारगेट के लिए। ओके, NBCC जनरली जब सरकार हिस्सेदारी बेचने की बात करती है स्टॉक दबाव में आता है, लेकिन NBCC ऊपर कारोबार कर रहा है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं करीब 5% की तेजी, 12 रुपए के आसपास की तेजी NBCC में आ चुकी है। सरकार 15% हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है, और सिटी जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज अपना विद बाय रेटिंग, टारगेट यहाँ पर 300 रुपए का दिया है, तो 60 रुपए का अपसाइड वो अभी यहाँ से देख रहे हैं। अमर, आपको क्या लगता है NBCC में क्या कॉल ले? NBCC की बात करें तो NBCC ने एक जो 24 जून से
ऑलमोस्ट 176-180 लेवल से जो एक रैली देखी है, और पिछले दो दिनों में हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ज्यादा वोलाटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है एनबीसीसी में, तो ऑन दी हायर साइड जो है वो 265 से 270 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। करेंटली ये 240-241 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, तो यदि इसमें शॉर्ट टर्म इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाइंग करनी है या एकदम शॉर्ट टर्म, तो 249 के लेवल्स के ऊपर ये चलता है तो इसमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन ऑन द हायर साइड 265 to 270 वो कैप्ड फिलहाल एक लेवल दिख रहा है। उसके ऊपर फिर यदि मार्केट ट्रेड करता है तो नेक्स्ट फेज ऑफ रैली जो है वो टुवर्ड्स 300 लेवल्स तक हम देख सकेंगे। ऑलराइट, अमर आप बने रहिए हमारे साथ, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक्टिव स्टॉक्स पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही ऑटो कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस तिमाही जानेंगे ब्रेक के बाद। तिमाही नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हम फोकस कर रहे हैं ऑटो कंपनियों पर। ऑटो सेक्टर के लिए वित्त वर्ष 2017 बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले दो तीन साल कुछ खास हुआ नहीं। अगर आप पिछले दो तीन तिमाहियां भी देखें तो वहां पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, लेकिन अब अच्छे मानसून और नए लॉन्चेस का फायदा कंपनियों को मिल रहा है। हमारे साथ ऑटो सेक्टर पर चर्चा करने के लिए हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी हैं और इंडिया इन्फोलाइन के एवीपी रिसर्च प्रयेश जैन भी हैं। पहले चलते हैं पूजा के पास। हाय पूजा, इस बार हम क्या अनुमान लेकर चल रहे हैं ऑटो सेक्टर के लिए? जी, अच्छे मॉनसून की वजह से जैसा कि आपने बताया वॉल्यूम्स में इस बार अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इस बार जो ऑटो कंपनीज के नतीजे हैं उसमें हम अनुमान कर रहे हैं कि मिले जुले रह सकते हैं। मिले जुले इसलिए क्योंकि करेंसी में जो इतना उतार चढ़ाव हुआ है उसका असर कंपनी के मार्जिन में देखने को मिल सकता है, तो वॉल्यूम्स में तो अच्छी ग्रोथ रहेगी लेकिन मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव रहेगा, जिसके चलते जो अक्रॉस जितनी भी कंपनीज हैं उनके नतीजे मिले जुले रहेंगे। पैसेंजर कार्स की बिक्री की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी वीकनेस रहेगी, लेकिन नए जो लॉन्चेस हैं उनकी वजह से यूटिलिटी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा जितनी भी रूरल फोकस्ड कंपनीज हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी, उनके डिमांड में काफी ज्यादा बढ़त हुई है, जिसके चलते जितने भी कंपनीज का फोकस रूरल मार्केट में है उनके नतीजे काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक अगर मारुति के नतीजों की बात करें तो हड़ताल के कारण प्रोडक्शन पर काफी ज्यादा असर पड़ा था और येन के डिवैल्यूएशन से भी मार्जिन्स पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। M&M की बात करें तो नए लॉन्च और ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ने का फायदा कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल की अच्छी बिक्री से बेहतर नतीजे देखने का अनुमान है इस बार, और आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की बिक्री में इस बार 38% की बढ़त देखने की उम्मीद है, तो यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं टू व्हीलर कंपनीज की बात करें तो बजाज ऑटो में एक्सपोर्ट में जो गिरावट है उसकी वजह से नतीजों में इस बार दबाव देखने को मिल सकता है, और एक्सपोर्ट में जो कमजोरी है ये लगातार तीसरा क्वार्टर होगा जब कंपनी के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी। हीरो मोटर की बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा होने से थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन लागत घटने से और कमोडिटी प्राइस में गिरावट की वजह से एबिटा मार्जिन में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑलराइट पूजा, हमारे साथ इस वक्त इंडिया इन्फोलाइन के एवीपी रिसर्च प्रयेश जैन भी हैं। प्रयेश, स्वागत है आपका। पहले तो सवाल आपसे ये कि जो कमर्शियल जो व्हीकल प्रोड्यूसर्स हैं और टू व्हीलर स्पेस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, टू व्हीलर्स के लिए आई डोंट थिंक ये पहली क्वार्टर कुछ बहुत बढ़िया निकल कर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स उनके लिए कुछ खास बढ़े नहीं एक्सेप्ट फॉर मे बी TVS। देखने जाए तो जो पूरा सेक्टर है टू व्हीलर स्पेस, उसमें वॉल्यूम्स डिसेंट रहे हैं इस क्वार्टर में कंपेयर टू पूरा FY16 जिस तरीके से पैन आउट हुआ था उसके मुताबिक Q1 FY17 काफ़ी बेहतर रहा है वॉल्यूम्स के हिसाब से। बजाज ऑटो एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं इनके वॉल्यूम्स को और वहाँ पे काफ़ी गिरावट देखी गई है, तो इस हिसाब से बजाज ऑटो के नंबर्स में हम थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। प्लस बजाज ऑटो के लिए थोड़ा एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स जो Q1 में जनरली शादी की सीजन के होने की वजह से जो लोअर एंड बाइक्स ज़्यादा बिकती हैं उस वजह से भी थोड़ा रियलाइजेशन पे इम्पैक्ट होगा,
तो उस नतीजे उन फैक्टर्स को देखते बजाज ऑटो एक अंडर परफॉर्मर रहेगा इस क्वार्टर में। हीरो मोटो कप और टीवीएस मोटर्स के आंकड़े काफ़ी मजबूत रह सकते हैं, थोड़ा प्रेशर रह सकता है हीरो मोटो कप पे क्योंकि उनका थोड़ा येन से लिंकेज है, तो इस लिहाज से थोड़ा प्रेशर हो सकता है, बट इन दोनों के बाकी दोनों के आंकड़े अच्छे होंगे। ओके और आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड तो बिल्कुल लगातार बेहतरीन नंबर्स पेश कर रही है, लेकिन क्या वैल्यूएशन इस वक्त जस्टिफाइड है? क्या यहाँ पर आपको लगता है अगेन अच्छा क्वार्टर निकल कर आएगा लेकिन वैल्यूएशन एक कंसर्न है इस स्टॉक के लिए? आयशर मोटर्स डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर गया इस क्वार्टर में भी, खाली सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही नहीं उनका जो कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस है उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस क्वार्टर में, तो ओवरऑल एक जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो करीबन 57% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस क्वार्टर में। और जैसे कि आपने कहा वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़े हायर साइड पर हैं, तो हमारा रिकमेंडेशन इस लेवल्स पर बाइंग का तो नहीं है लेकिन अक्यूमुलेट किया जा सकता है और थोड़ी और गिरावट पर डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। ओके चलिए अब बात करते हैं फोर व्हीलर स्पेस की। मारुति सुप्रोज में जो फायर हुआ उसकी वजह से उनके जून में आंकड़े काफ़ी सब्ड्यूड थे, एक्सपोर्ट को का अच्छा खासा हिट लगा, लेकिन उनके लिए ब्रेजा बहुत सक्सेसफुल हो रही है, उनके जो रीसेंट लॉन्चेस हैं बलेनो इंक्लूडेड वहां पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। वहीं अगर हम M&M की बात करें तो M&M के लिए जो मानसून के पहले का जो एक मोमेंटम बना था कि अच्छा मानसून इस बार आएगा उसकी वजह से शायद उनको कुछ सपोर्ट मिले, और टाटा मोटर्स के लिए भी MHCV तो ज्यादा कुछ खास बड़ा प्रदर्शन नहीं बट इट वाज नॉट बैड आइदर, तो यहां पर आपके टॉप पिक क्या है और कहां पर आपको सबसे बड़ा कंसर्न है? अगर इन तीनों कंपनी की बात करें टाटा मोटर्स मारुति और M&M की बात करें तो डेफिनेटली M&M के नतीजे थोड़े बेहतर हो सकते हैं और मारुति में थोड़ा प्रेशर है क्योंकि वॉल्यूम की जिस तरह से आपने बात की वहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिखा और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है येन मूवमेंट जो कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा इंपैक्ट करता है क्योंकि करीबन 18-20% काइंड ऑफ इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन है येन डिनोमिनेटेड इम्पोर्ट्स और रॉयल्टी का इस कंपनी के लिए, तो जिस तरह से येन में मूवमेंट हुई है मारुति के मार्जिन से प्रेशर दिखेगा। M&M के लिए ये बेहतर है कि उनका जो ट्रैक्टर कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हायर है इस क्वार्टर में और वहाँ पे उनके एबिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो इस लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स बेहतर हो सकते हैं। और टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टैंड अलोन ऑपरेशंस में डेफिनेटली थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है ऑन Y&Y बेसिस, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट होता है JLR का परफॉर्मेंस, वहाँ पे हम काफ़ी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं JLR में और ब्रेग्जिट के इम्पैक्ट भी इतना कुछ मटेरियल नहीं हुआ है कंपनी के वॉल्यूम्स पर, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा जा सकता है इस क्वार्टर में। ओके प्रेश तो इस वक्त आपकी बाय रेटिंग्स कहाँ हैं ऑटो स्पेस पे, कहाँ पर लगता है आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और क्या आप कहीं किसी पॉकेट में नेगेटिव परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड हमारे टॉपिक्स हैं इस सेक्टर में और ऑटो एंसिलरी में मधुसूदन सुमी हमारा टॉपिक है और नेगेटिव तो मेजर भारत फोर्ज जैसी कंपनी है जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से US के क्लास 8 ट्रक्स में डिक्लाइन आ रहा है ऑर्डर्स में और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी काफ़ी स्लो डाउन है, तो इस लिहाज से भारत फोर्ज में हम थोड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रहे हैं। ऑल राइट प्रयेश बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। तो भारत फोर्ज एंसिलरी स्पेस से एक ऐसा काउंटर जहां से कुछ खास बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं लेकिन बाकी सब जगह या फिर एवरेज से बेहतर परफॉर्मेंस आ सकता है। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह भी हैं। अमर आपको ऑटो स्पेस में क्या पसंद आ रहा है, चार्ट पर कहाँ लगता है कि बाय सिग्नल्स मिल रहे हैं? ओवरऑल ऑटो स्पेस की बात करें तो M&M जो है उसमें वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है क्योंकि यदि आप उसके लेवल्स भी देखेंगे तो वो अपने 1442 लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है जो एक उच्चतम स्तर है M&M के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें एक करेक्शन आती है तो बाइंग करके चलनी चाहिए, काफ़ी अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है M&M में।
ओके, तो M&M में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस वक्त, चार्ट पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ अमर आपसे भी इजाजत लेने का वक्त, धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट होगा, तो बने रहिए हमारे साथ।